ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा कि कभी कभी छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम जब आप ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है, तो आसानी से कुछ भी प्रॉब्लम वो रिपेयर हो जाता है। पर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं विस्तार से आपको बताऊँगा ये वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम है आपको रिपेयर करके देखाऊँगा, पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि कभी कभी की होता है कि टीवी बहुत लेट चलता है। ठीक है, टीवी बहुत लेट मतलब स्विच सप्लाई देने का बाद कुछ टाइम बाद वो टीवी ऑन होता है, तो उसका रीज़न क्या है आपको ये वीडियो के अंदर जो पार्ट्स चेंज करके देखाऊंगा। हो सकता है वो सेम पार्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है दूसरा कोई अलग पार्ट्स प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो का लास्ट में पूरा डिटेल्स आपको क्लियर करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर देखाऊँगा कि नॉर्मल चाइना किट का जो वर्टिकल जंपिंग प्रॉब्लम तो बहुत पोजिशन से हो सकता है, तो आपको ये वीडियो के अंदर मैं वो भी प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखाऊंगा। तो इसीलिए आपको वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा, आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन रीजन से वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको ये वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा वो भी आपको ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों मेरा हिंदी बताने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, सही से यह हिंदी बात मेरा अभी आता नहीं है, तब भी मैं बहुत गलती हो सकता है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं अच्छा करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मार्केट का लोकल चाइना पीसीबी है, चाइना सीआरटी टीवी की। तो ये पीसीबी का एक इम्पोर्टेंट फॉल्ट आपके साथ शेयर करूँगा कि ये पीसीबी कुछ टाइम मतलब थोड़ा टाइम लेट का बाद ही ये ऑन होता है। तो इसी तरह प्रॉब्लम और इसी तरह कमेंट मेरा चैनल के अंदर बहुत देखा, बट आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखूंगा। दोस्तों टीवी अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, आप अच्छा करके देखिए टीवी चल रहा है, बट ये टीवी स्क्रीन पिक्चर का एक फॉल्ट है कि ये कभी कभी जंप हो जाता है। आप अच्छा करके देखा तो पता चलेगा कि देखिए कभी कभी ये जंप कर रहा है। ठीक है, बहुत ही हल्का सा जंप कर रहा है और कभी कभी बहुत ज़ोर से ये जंप कर रहा है। तो आप अच्छा करके देखिए, फॉलो कीजिए, कभी कभी ये थोड़ा जंप कर रहा है, तो ये इसका एक फॉल्ट है। और इसका जो मेन फॉल्ट है कि कुछ टाइम के बाद ये टीवी ऑन होता है। तो क्यों कुछ टाइम के बाद ये टीवी ऑन होता है, इसके ऊपर आपको डिटेल से वीडियो के अंदर बताने के लिए कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकल ये पीसीबी का प्रॉब्लम आपको देखाऊँगा। ठीक है, और ये जो देखिए बीच बीच ये थोड़ा जंप कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सभी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले पीसीबी का मेन वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मेन वोल्टेज चेक करने का बाद कुछ भी वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो फर्स्ट वो वोल्टेज को रेडी करना पड़ेगा, उसका बाद जो आदर्श प्रॉब्लम आता है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी तो टीवी ओके बिल्कुल चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, कौन पोजिशन का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आपको कुछ वोल्टेज चेक करके देखाऊंगा, और थोड़ा मीटर को मैं एडजस्ट कर लेता हूं क्योंकि आपको वोल्टेज का साथ चेक करके देखाऊंगा कि देखिए। चलिए मैं मीटर को यहां पर ही रखता हूं, टीवी अभी चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईएसटी सप्लाई आपको दिखाता हूं। देखिए इसका ईएसटी सप्लाई कितना है, इसका ईएसटी सप्लाई 109-10 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ईएसटी सप्लाई ओके है। उसके बाद चलिए डाइवर सेक्शन सप्लाई और वर्टिकल जो सप्लाई यहाँ से जो जाता है कितना वोल्ट, 27 वोल्ट है, तो ये वोल्ट भी परफेक्ट है। और उसके बाद चलिए कि ये जो 9, 10 और 11 वोल्ट का आसपास जो रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है यहाँ पर कितना वोल्ट है, अभी देखिए 9.5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 11 वोल्ट भी देखा जाता है। ठीक है, 9 वोल्ट है। और उसका बाद ये जो नीचे लास्ट साउंड आईसी को जो सप्लाई देता है यहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ पर देखिए 17 वोल्ट है, जो 14 वोल्ट से 17 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये वोल्टेज मिलता है, तो सब कुछ वोल्टेज ओके है। तो प्रॉब्लम क्या है, टीवी तो अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है, तो आपको इसी टाइम देखूंगा कि रेगुलेटर सेक्शन ओके होगा तो 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन से ही बांधता है। और ये जो आई के पॉइंट है मतलब बेस बोर्ड का अंदर जो वोल्टेज जाता है, ये जो जैक पॉइंट है एक ये नेगेटिव है और 8 GB मिडिल तीनों लाइन है और नीचे ये 8 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए, 7.5 वोल्ट, तो लगभग ये वोल्ट भी काम चल जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद जो आपको देखाऊंगा ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट होना चाहिए, देखिए ये ट्यूनर पिन है, ये ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट होना चाहिए, यह पर भी वोल्टेज देखिए 4.89 वोल्ट, ठीक है, मतलब ये भी 5 वोल्ट ओके है। तो इसका मतलब कि टीवी ये पीसीबी अभी रनिंग कंडीशन पर है, पिक्चर साउंड सब कुछ ओके, सब कुछ बिल्कुल ओके चल रहा है। तो इसका फॉल देखिए क्यों बात है आपको, कुछ टाइम लेट ये चलता है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई को मैं ऑफ किया, टीवी को मैं बंद कर दिया, और देखिए बंद करने के बाद आपको टीवी को ऑन करके देखाऊंगा, ठीक है। ऑन करने के बाद तो चलिए सिम्टम किस तरह आता है देखिए, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, देखिए सप्लाई दे दिया। और अभी इसी टाइम देखिए ESD सप्लाई कितना है, 110 वोल्ट, और इसका 80 वोल्ट, 180 वोल्ट लाइन पर देखिए वोल्टेज अभी आ गया, मतलब ये तुरंत चालू हो गया। इसका जो रीजन है आप देखिए, इसका जो रीजन है कि अभी ये तुरंत चालू हो गया। बार दोस्त आपको बताया कि कुछ टाइम का बाद ही ये थोड़ा लेट चलता है, तो इसलिए सप्लाई को फिर भी ऑफ किया, और थोड़ा टाइम मैं आपको रुकूँगा, कुछ टाइम बाद ऑन करके देखूँगा। मतलब टीवी जब बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जब लॉन्ग टाइम बंद होने के बाद जो वो ऑन करता है तो बहुत टाइम लेट भी ऑन होता है, ठीक है, इस तरह इसका सिम्टम है। तो चलिए कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं 5 मिनट तक बंद करके रखा हूँ पीसीबी को, और नेक्स्ट टाइम अभी इसी टाइम ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और चलिए वोल्टेज देखना पड़ेगा, मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, पूरा सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सप्लाई दे देता हूँ, देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, और अभी ESD सप्लाई कितना है देखिए, 123, ठीक है, 123। अभी इसी टाइम देखिए 180 वोल्ट पर वोल्टेज देखिए सेम वोल्ट है, मतलब ESD ऑन नहीं हो रहा है। और इसी कंडीशन पर ओनली ये जो रेगुलेटर सेक्शन का जो वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज पूरा ड्रॉप है, देखिए कितना वोल्ट है, ये देखिए ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये रेगुलेटर सेक्शन पर अभी देखिए 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 5-6 वोल्ट इस तरह आ रहा है। तो दोस्तों यह अचानक टीवी ऑन हो जाएगा, अभी देखिए 180 वोल्ट पर देखिए लाइन पर 123 वोल्ट है, मतलब ESD ऑन नहीं है। और दोस्तों कुछ टाइम के बाद ही ESD ऑन हुआ, देखिए ऑन हो गया, अभी ये तुरंत ऑन हो गया। तो इसी कंडीशन पर ये जो रेगुलेटर सेक्शन का जो वोल्टेज, अभी देखिए ये जो रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज अभी देखिए थोड़ा बढ़ गया, देखिए 9 वोल्ट आ गया। तो ये कुछ टाइम के बाद वोल्टेज बढ़ जाता है, तो इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों अदरवाइज इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, लॉन्ग टाइम टीवी को ऑफ करके रखने के बाद तो दोस्तों ये और लेट ऑन होगा। तो ये अचानक ऑन हो गया, आप देख सकते हो 180 वोल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ESD सप्लाई अभी देखिए थोड़ा ड्रॉप हो गया, क्योंकि 120 वोल्ट मिला, और ESD जब ऑन हो जाता है लोड कंडीशन पर 109 वोल्ट हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टीवी अभी चल रहा है, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसी टाइम आपको जो दिखाता हूँ, देखिए ये जो डाइवर्स सेक्शन का जो लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत कम मिला, इसका रीज़न क्या है। तो अच्छा करके देखने के बाद तो दोस्तों देखिए ये जो चॉपर है, ये देखिए ये जो चॉपर है, चॉपर का आउटपुट इस तरह इसका कनेक्शन है, देखिए। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट लाइन का, और उसका नीचे ये कौन सा, ये देखिए ये कौन सा है, और उसका नीचे ये एक डायोड है, और उसका नीचे ये एक डायोड है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर एक वायर लेके इसको इस तरह कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो डायोड का सप्लाई इस तरह दिया गया है, तो ये वर्टिकल सेक्शन और जो डाइवर्स सेक्शन है वो लाइन को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर डायोड को इस तरह कनेक्शन किया गया। इसका मतलब कि दोस्तों ये चॉपर का जो ये लाइन है, ये लाइन फॉल्ट है, तो इसलिए बहुत दिन पहले से इसका कनेक्शन इस तरह है। और दोस्तों उसका बाद आपको बताना चाहते हो कि ये जो नीचे वाला डायोड है, ये लाइन से जो रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है, और ये लाइन का अंदर जो फिल्टर कैपेसिटर ये है। तो फर्स्ट मैं ये फिल्टर कैपेसिटर को एक बार चेंज करूँगा, ऊपर से कुछ भी टूटा फूटा फूला हुआ कुछ भी नहीं है, बट ये कैपेसिटर को एक बार चेंज करूँगा।
चेंज करने के बाद नहीं होगा तो दोस्तों ये जो डायड है ये डायड को एक बार चेंज करूँगा, ठीक है। ये जो डायड है ये डायड को चेंज करूँगा। चलिए ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद साथ साथ सप्लाई आता है कि नहीं एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कैपेसिटर लगाया, ये कैपेसिटर मैं जो लगाया 470 माइक्रो फैराड, ठीक है, और 35 वोल्ट का। बट दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर था ये 470 माइक्रो फैराड 16 वोल्ट का, ठीक है। तो ये पोजीशन पर मैं ये कैपेसिटर लगाया। आप देख सकते हो कैपेसिटर ऊपर से नीचे से कुछ भी फूला हुआ नज़र में नहीं आ रहा है। तो लगाने के बाद आपको सप्लाई देके देखूंगा कि क्या इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं, और वहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है अभी, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और सप्लाई देने के बाद चलिए देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। सप्लाई दे दिया और साथ साथ ये पिन पर जो रेगुलेटर सेक्शन का ये सप्लाई है, यहाँ पर माय गॉड दोस्तों देखिए वोल्टेज देखिए 11.7 हो गया, बहुत ही बढ़ गया साथ साथ। और इसका साथ तो ESD तो साथ साथ ऑन होना चाहिए। देखिए ESD सप्लाई अभी 182, मतलब देखिए TV दोस्तों ऑन है। तो ये जो रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी इसी टाइम वोल्टेज 12 वोल्ट ये मिल रहा है और अदर जो वोल्टेज ये सब कुछ सेम ही है। ये जो ESD सप्लाई वोल्टेज 109 ये भी ओके है। वर्टिकल सेक्शन जो रेगुलेट सॉरी वर्टिकल IC सप्लाई और डाइवर सप्लाई 27 वोल्ट ये भी ओके है। और ये फिर भी दिखाता हूँ रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 11.9 मतलब 12 वोल्ट के आसपास ही है। और ये जो साउंड IC सप्लाई सेम टू सेम ही है। बट दोस्तों मैं ये नोटिस किया कि देखिए पिक्चर का जो जंपिंग प्रॉब्लम था, जो कभी कभी जंप हो रहा था पिक्चर, तो अभी देखिए पिक्चर जंप नहीं हो रहा है, पूरा बिल्कुल ओके चल रहा है। मैं अच्छा करके ये नोटिस किया कि कुछ भी जंपिंग प्रॉब्लम स्क्रीन के अंदर नहीं है। आप अच्छा करके फॉलो कर सकते हो, कुछ भी जंपिंग प्रॉब्लम पिक्चर के अंदर नहीं है। तो एक्चुअली ये डाइवर सेक्शन सॉरी रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई ड्रॉप होने का रीजन से ये जंपिंग प्रॉब्लम शो हो रहा था। तो इसका रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कि चलिए अभी TV को मैं ऑन करके ही रखता हूँ क्योंकि टेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। कि देखिए ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है, जिस ट्रांजिस्टर का पास ये जो 12 वोल्ट लाइन जिस वोल्टेज ड्रॉप था, यह सब वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पर आता है, ठीक है। और मेन प्रोसेसर ऐसे जो स्टैंड बाई वोल्टेज ये 64 नंबर पिन से ये स्टैंड बाई सिग्नल ये सेक्शन को वोल्टेज देने के बाद, तब यह इसका अंदर दो ट्रांजिस्टर है, यह से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट निकलता है। तो 8 वोल्ट ये जो IK लाइन होता है यह पर आता है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको दिखाया कि यह वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप था, ठीक है। अभी देखिए ये वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया, 8.1 हो गया, थोड़ा बढ़ गया। और दोस्तों ये जो ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट 4.7 का आसपास आपको दिखाया, ठीक है, तो ये वोल्टेज देखिए अभी प्रॉपर 5 वोल्ट हो गया, 4.9 और 5 वोल्ट के आसपास ही आ गया। अब अच्छा करके देखिए, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज मतलब 0.1 वोल्ट थोड़ा डाउन या ये पोजीशन पर मिला, बट अभी देखिए 4.95 इस तरह वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज डाउन मिला। तो मेरा जो मतलब कहने का जो मतलब है कि ये जो ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट ये आता है IC का 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन, ठीक है। 47 नंबर पिन जो है ये 47 नंबर पिन पर स्ट्रॉन्ग वोल्टेज आने के बाद, तब ये जो IC है ये IC से जो Vout सिग्नल ये निकलता है और ये Vout सिग्नल भी वर्टिकल IC पर आता है। तो प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा तो ये वर्टिकल IC पर तो जंपिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों वो सिंक जो सिस्टम है, सिंक जो सर्किट है, ये IC का अंदर है। तो IC का अंदर सिंक सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा तो मतलब IC फॉल्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से वर्टिकल जंपिंग प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। बट दोस्तों इसी कंडीशन पर ये प्रोसेसर IC ओके है, सिर्फ इसका जो प्रॉब्लम है कि ये IC का अंदर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बट दोस्तों हो सकता है प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है, जितना एम्पियर इसका अंदर IC का अंदर 47 नंबर पिन पर वोल्टेज आना चाहिए वो
एम्पियर का साथ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसी का रीजन से इसका जो वर्टिकल जो वी आउट सिग्नल ये आईसी का अंदर स्ट्रांग नहीं आ रहा है, इसी का रीजन से जंपिंग प्रॉब्लम मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आईसी ठीक से वर्किंग जब नहीं करेगा, हो सकता है कि आईसी प्रॉब्लम हो सकता है, तब का मन में डाउट चलेगा। तो मेनली आईसी का जो प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए, जो सप्लाई वोल्ट होना चाहिए, वो सप्लाई वोल्ट का आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसी के साथ मैं और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये जो 11-12 वोल्ट का आसपास यहाँ पर अभी मिल गया, तो ये वोल्टेज लो हो जाएगा तो ये जो रेगुलेटर सेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो जाएगा। बट इसका रेगुलेटर सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वोल्टेज ही आउट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, बट जितना एम्पेयर होना चाहिए इतना एम्पेयर नहीं आ रहा है, इसी का रीजन से जंपिंग प्रॉब्लम मिल रहा था। तो ये एक रीजन है, हो सकता है कि वोल्टेज यहाँ पर ओके है, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, हो सकता है 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर वो वीक हो गया, वीक का रीजन से यहाँ पर हो सकता है कि 4.78 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, तब भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों और एक जो रीजन है कि ये जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है इसका अंदर ही है, यहाँ पर जो कुछ ट्रांजिस्टर देखा जाता है, यहाँ पर 8 वोल्ट जो ट्रांजिस्टर मतलब 8 वोल्ट जो निकलता है और जो ये पिन पर 8 वोल्ट आता है, तो दोस्तों ये जो 8 वोल्ट तो ये आईसी का अरेक पिन पर आता है। ठीक है, आईसी का अरेक पिन पर आता है, जिस पिन पर वोल्टेज 8 वोल्ट आने के बाद तब एज आउट सिग्नल निकलता है, तो ये 8 वोल्ट वीक हो जाएगा, तो उसी का रीजन से भी आईसी प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसी कंडीशन पर भी टीवी कभी कभी ऑन हो सकता है, कभी कभी ऑन नहीं होगा, हो सकता है लेट पर ऑन होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो रीजन है कि यहाँ पर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर वीक होने का रीजन से भी हो सकता है कि प्रॉपर वोल्ट आ रहा है, आईसी का इंटरनल जो सिस्टम है वो वीक हो गया, उसी का रीजन से भी आईसी फॉल भी हो सकता है। और बहुत कुछ रीजन है, बट आपको प्रैक्टिकली जो वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम ये जो कैपेसिटर चेंज करके आपको देखा है और जिस तरह आपको समझाया, आप पूरा दिमाग में सेट करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम इस तरह आएगा तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। बट दोस्तों एक बात आता है कि ये आईसी ये 88 का आईसी है। ठीक है, हो सकता है ब्रांडेड पीसीबी का अलग नंबर का आईसी है, तो कौन सा पिन सप्लाई होगा ये सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों ये सप्लाई पिन को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गूगल पर ठीक है आईसी नंबर लिख के उसका डाटा सीट सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद उसका अंदर जो मेन सप्लाई वोल्ट होता है वो सप्लाई वोल्ट का नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसका बाद सप्लाई को मीटर लेके टेस्ट कीजिए, तब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखिए टीवी बिल्कुल ओके चल रहा है, कुछ भी जंपिंग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, कुछ भी जंपिंग प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत टाइम लॉन्ग टाइम ऑन करके रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा प्रॉब्लम, बट दोस्तों कभी कभी छोटा प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है ठीक से जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इसलिए मैं हर टाइम बताता हूँ कि कुछ भी पीसीबी का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट वोल्टेज चेक करने के बाद जिस वोल्टेज लाइन गड़बड़ देखेगा, फर्स्ट आपको वो वोल्टेज लाइन को रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है बहुत न्यू टेक्नीशियन इस तरह जंपिंग प्रॉब्लम आएगा तो फर्स्ट टाइम वर्टिकल आईसी को ही चेंज कर देता है, वर्टिकल सेक्शन का जितना कैपेसिटर है वो भी चेंज कर देता है, उसके बाद नहीं होगा तो मेन प्रोसेसर आईसी को ही चेंज कर देता है। दोस्तों इस तरह काम करेगा तो वो तो कभी ना कभी हो जाएगा, बट दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो इतना कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस तरह मैं एक कैपेसिटर चेंज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।